मीराबाई चानू ओलंपिक में सिल्वर पदक जीतकर पूरी दुनिया में देश का मान सम्मान गौरव सब कुछ बढ़ाने का काम किया। ये हमारे लिए, हमारे भारत देश के लिए बहुत बड़े मान सम्मान की बात है। इसी बीच कल मीराबाई चानू और सलमान खान दोनों एक दूसरे से मिले और दोनों के मिलने के बाद जो तस्वीर सोशल मीडिया पर आई है उसके बाद सलमान खान की ट्रोलिंग हो रही है। ट्रोलिंग की सबसे बड़ी वजह यह है कि सलमान खान ने अपने गले में जो दुपट्टा डाल रखा है, यानी कि वो जो गमछा है, स्कार्फ है, जो भी डालकर रखा है, उसके ऊपर जो हिरन की तस्वीर को अंकित किया गया है, जो प्रिंटेड है, उसी तस्वीर को लेकर सलमान खान को ट्रोल किया जा रहा है। हालांकि एक बात मैं यहां ये कहना चाहूंगा कि मीराबाई चानू को भले ही आप किसी बॉलीवुड वालों को अपना आइडल मानते हो, पसंद करते हो, लेकिन किसी भी बॉलीवुड वाले ने आपको कभी सपोर्ट किया जब आप उस दौर से गुजर रही थी, जब आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश कर रही थी, क्या जिसे आप फॉलो कर रही हैं, क्या उस बॉलीवुड वाले ने कभी आपकी मदद की? तो इस तरह के लोगों को अपना आइडल मनाकर मीराबाई चानू ने भी यहां थोड़ी सी गलती तो जरूर की है। तो ट्रोलिंग क्या हुई है सलमान खान की, चलिए वो सुन लेते हैं। किसी ने लिखा कि सुल्तान के दूसरे पार्ट में सलमान भाई अपनी बेटी को बॉक्सर बनाएंगे जो ओलंपिक जाएगी और पदक जीत कर लेकर आएगी और दुनिया में भाई मान सम्मान बढ़ाने का काम करेगी, इस तरह की कुछ स्टोरी होगी। किसी ने लिखा कि ओलंपिक में अगर शिकार करने जैसा कोई प्रतियोगिता होता तो सारे के सारे मेडल सलमान भाई लेकर आते। किसी ने जैकलिन फर्नांडिस की इस तस्वीर के साथ पोस्ट किया और लिखा कि सलमान भाई जैकलिन थ्रो करते हुए, यानी कि नीरज चोपड़ा जो जैवलिन थ्रो कर रहे थे उसी के लिए जैकलिन जैकलिन जैवलिन, गजब की तुकबंदी बनाई है। किसी ने लिखा कि इस तस्वीर को देखने के बाद मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूं कि इसमें असली विनर कौन है। किसी ने यह भी लिखा कि अभी तक भाई का जो प्यार है हिरन के लिए वो कम नहीं हुआ है। तो भाई सलमान खान कुछ भी कर ले, भूतकाल में उन्होंने जो जो गलतियां की है इसके लिए उन्हें मरते दम तक ट्रोल किया जाएगा। ये सारी गलतियां उनका पीछा छोड़ने वाली नहीं है, चाहे काले हिरन के शिकार का मामला हो, चाहे हिट एंड रन केस वाला मामला हो, चाहे ऐश्वर्या राय से मारपीट वाला मामला हो, विवेक ओबराय को 41 बार मिस कॉल करके भाई उनका करियर तबाह करने का मामला हो, चाहे अरिजीत सिंह से झगड़े का मामला हो और अपनी फिल्मों से उनके गाने को हटा देने का मामला हो और एक पाकिस्तानी सिंगर को अपनी फिल्मों में लेने का मामला हो, दुनिया के हर पाप भाई के नाम पर। भाई अपने आप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है, यानी भाई की अपनी आप भाई बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है। सोच रहा हूँ सलमान के जीवन पर एक किताब ही लिख डालूं, जितने कांड सलमान भाई ने अपनी जिंदगी में किए हैं उनसे ही पूछकर उनकी जिंदगी के ऊपर एक किताब लिख डालूं और उनके ही हाथों उस पुस्तक को लॉन्च भी करवा दूं। क्या लगता है आपको, सलमान के ऊपर बुक लिखूंगा उनके जितने भी काले कांड हैं, तो क्या सलमान उस बुक को लॉन्च करने आएंगे? कमेंट करके जरूर बताएं।